हेलो नमस्कार साथियों साथियों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जंक्शन में। साथियों फिर से हाजिर है एक और नए वीडियो में। जानेंगे जीके से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते था, आने वाले परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसे वीडियो की जानकारी आपको हर रोज मिलती रहेगी। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, नटनी का सबूतरा कहाँ स्थित है? जी फ्रेंड्स, नटनी का सबूतरा कहाँ स्थित है, जिसका ए ऑप्शन जोधपुर, बी सूरत, सी असम, डी उदयपुर। आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नटनी का सबूतरा कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा नटनी का सबूतरा उदयपुर में स्थित है। अगला सवाल है, भारत की एकमात्र कांच की मस्जिद कौन सी है? जी फ्रेंड्स, भारत की एकमात्र कांच की मस्जिद कौन सी है, जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत की एकमात्र कांच की मस्जिद मदीना मस्जिद है, जो कि शिलांग मेघालय में स्थित है। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र हस्तलिखित समाचार पत्र कौन सा है? जी फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र हस्तलिखित समाचार पत्र कौन सा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत का एकमात्र हस्तलिखित समाचार पत्र दी मुस्लिम है। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जी फ्रेंड्स, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर है। अगला सवाल है, प्रेम वाटिका पुस्तक की रचना किसने की थी? जी फ्रेंड्स, प्रेम वाटिका पुस्तक की रचना किसने की थी, जिसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका पुस्तक की रचना रस खान ने की थी। अगला सवाल है, पंचतंत्र पुस्तक की रचना किसने की थी? जी फ्रेंड्स, पंचतंत्र पुस्तक की रचना किसने की थी, जिसका सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र पुस्तक की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जी फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, जिसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जी फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, जिसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जी फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगला सवाल है, शिकारी देवो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? शिकारी देवो अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा शिकारी देवो अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, ईश्वर का निवास किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, ईश्वर का निवास किस जगह को कहा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर का निवास प्रयाग को कहा जाता है। अगला सवाल है, सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा सात टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है, जुड़वा नगरी किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, जुड़वा नगरी किसे कहा जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा जुड़वा नगरी हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत में अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा भारत में अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला सवाल है, रामगंगा बांध कहाँ स्थित है? जी फ्रेंड्स, रामगंगा बांध कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा रामगंगा बांध उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, जमरानी बांध कहाँ स्थित है? जी फ्रेंड्स, जमरानी बांध कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर हो जाएगा जमरानी बांध उत्तराखंड में स्थित है। तो साथियों, वीडियो आपको कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू।